तहरीके इंसाफ पार्लियामेंट से क्या गई, कानून साजी भी रुक सी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीके इंसाफ ने असम्बलियों से इस्तीफे तो दे दिए, लेकिन मंजूर होने का फैसला ताहाल ना किया जा सका। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से नोटिस जारी किए, लेकिन तहरीके इंसाफ के अराकीन असम्बली तस्दीक के लिए ना आए। पीटीआई के इस्तीफों का मामला मुअल्लिक होने की वजह से कायमा कमेटियों का निजामे कार भी रुक गया। कौमी असम्बली की 36 कायमा कमेटियों का निजाम तातुल का शिकार। तहरीके इंसाफ के 14 अरकान कायमा कमेटियों के चेयरमैन थे। कायमा कमेटी एविएशन के चेयरमैन हाजी इम्तियाज अहमद, मौसमियाती तब्दीली चेयरपर्सन मुनिजा हसन और दिफा के चेयरमैन अमजद अली नियाजी थे। इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरमैन मीर खान मोहम्मद जमाली, जबकि एनर्जी के चेयरमैन इमरान खटक और फाइनेंस एंड रेवेन्यू के फैजुल्ला कमोका थे। फॉरेन अफेयर्स के मलक मोहम्मद एहसानुल्लाह टवाना, हाउसिंग एंड वर्स के मोहम्मद नजीब हारून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अली खान जदून, कायमा कमेटी बराए दाखिला राजा खुरम नवाज और कानून इंसाफ के रियाज फतियाना चेयरमैन थे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मुजाहिद अली, प्लानिंग डेवलपमेंट और खसूसी इकदाम जुनेद अकबर, स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन के चेयरमैन साजिद खान थे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के इतिहादियों की जानिब से मौजूदा हुकूमत में शामिल होने के बाद पावर, कॉमर्स, इंसानी हकूक और इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप खाली है। सब न्यूज़ इस्लामाबाद।